मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसको मुख्यमंत्री होना चाहिए? इस सवाल पर सोनिया गांधी ने कहा, प्लीज राहुल गांधी से पूछिए। अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम को लेकर राहुल गांधी के घर पर मंथन चल रहा है। राहुल गांधी विधायकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों की राय ले रहे हैं। उन्होंने फोन कॉल के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया और साथ ही उनके राज्यों में मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से राय भी मांगी। नमस्कार, मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ। विधानसभा चुनाव जीतने पर कांग्रेस के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को बहुत बहुत बधाई। आप पोलिंग बूथ पे खड़े हुए, आपने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से लड़ाई लड़ी और आप जीते, इसके लिए आप सबको दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं, हमारा मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कृपया सिर्फ एक नाम बताइए। आप जो नाम बताएंगे वो सिर्फ मुझे पता होगा, पार्टी में किसी भी और को नहीं पता लगेगा। अभी आपको एक बीप सुनाई देगी, उस बीप के बाद आप किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं उनका नाम कह दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। इस बीच राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बैठक के लिए बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर अंतिम फैसला राहुल गांधी को लेना है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए कमलनाथ को शीर्ष दावेदार माना जा रहा है, जबकि राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रमुख सचिन पायलट ने भी अपनी दावेदारी छोड़ी नहीं है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट शामिल हैं, जबकि मध्य प्रदेश में पार्टी के सांसद कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया दावेदार हैं। इन हालात में राहुल गांधी का यह बहुत ही सदा हुआ सुलझा कदम माना जा रहा है कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से फोन करके व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री पद पे किसे चुना जाए, इसकी सलाह और राय मांगी है।